इसके अंदर ये गिवन है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड है, रॉड को वी वेलोसिटी से हम राइट मूव करवा रहे हैं, तो ये पुराने मेथड, ये इस पे लिखो मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, तो हम फर्स्ट मेथड से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे जो इसमें जनरेट होगी, और साथ में ये भी बताएंगे कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां होगी। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये सब करने के लिए, ये थर्ड यूनिट का करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जो हम करके आए हैं, इस चैप्टर का कुछ नहीं करेंगे। फिर इस चैप्टर से मेथड नंबर टू से करेंगे, मेथड नंबर टू इस चैप्टर का है जिसमें शॉर्टकट से सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार इस चैप्टर से फैराडेज लॉ से, एक बार लॉरेंट्स फोर्स से, जैसे हम करते आए हैं। लॉरेंट्स फोर्स वाला मेथड लोगों को थोड़ा कम पसंद आता है, ज्यादा बहुत चीजें बीच में मिक्स हो जाती हैं। मेथड नंबर टू जो फैराडेज लॉ से है वो ही पसंद आता है, और तभी तो इंपॉर्टेंस है फैराडेज लॉ की, अगर वही पसंद आ गया आप तो फैराडे लॉ पढ़ोगे ही नहीं। तो यही प्रूव करना है कि वो मेथड ठीक है, इजी है। तो दोनों तरीके वैसे सफिशिएंट है। एक रॉड जब राइट साइड पे जाएगी विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, रॉड की लेंथ एल, अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जाना ही पड़ेगा राइट तरफ। इलेक्ट्रॉन जब राइट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी क्यू वी साइन 90। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां लगेगी, वो कौन डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, गलत है, लेफ्ट हैंड रूल। मैंने बताया था कि राइट हैंड रूल तब यूज करते हैं जब इंड्यूस करंट निकालना है, ठीक, जब फोर्स निकालना है तो लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। लेफ्ट कब लगाना है, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। राइट कब लगाना है, जब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाल, बस यही दो रूल है और कोई रूल नहीं है। मैंने पूछा ही नहीं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और मैं तो फैराडेज लॉ और इस चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर रहा। फिर वापस आ जाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है बोर्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है रॉड, ये तो बात, ये इलेक्ट्रॉन देखना, ये राइट जा रहा है पर हम राइट ले नहीं सकते बिकॉज सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो फिंग ये इधर ले लेते हैं, फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे। इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएगा, नीचे इकट्ठे होता जाएगा, तो नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। ऐसा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो इंड्यूस करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आएगा तो इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन, ऊपर, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऊपर। शॉर्टकट है, इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहला रूल क्लियर है। थोड़ी देर तक इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठे होते जाएंगे, माइनस प्लस स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा प्लस से माइनस, ई आई का मतलब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब थोड़ी देर में प्लस और माइनस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को ये माइनस रिपेल करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को नीचे मैग्नेटिक फोर्स मिल रही है बी क्यू वी और ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगी क्यू ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरू में ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आता रहता है, पर थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक ऐसी वेलोसिटी आ जाएगी जब ये वाली और ये वाली फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। देखो, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब दो फोर्सेस हैं, नीचे और ऊपर की,
ना इलेक्ट्रॉन नीचे जा पाएगा ना इलेक्ट्रॉन ऊपर आ पाएगा, तो स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसे। उस इंस्टेंट पर जब ये स्टेज आ जाएगी तो करंट इसमें क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि करंट तो तब है ना जब इलेक्ट्रॉन नीचे, शुरू में यानी कि करंट था, अब नहीं है, पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी मेंटेन्ड है। तो जब तक रॉड मूव करेगी तब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो इसके अंदर स्टेडी स्टेट के अंदर इक्वेशन क्या बनेगी, स्टेडी स्टेट में बनेगी ऊपर की फोर्स क्यू इज इक्वल टू नीचे की फोर्स बी क्यू वी, ई से ई कैंसल, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई आई। गुड आउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अब क्योंकि ये रॉड मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये नेगेटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बोर्ड के अंदर, तब क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव लो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी पी माइनस वी क्यू, इसको क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं इसमें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पी और क्यू के बीच में, तो ये भी स्टेप क्लियर है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डेवलप हुआ था, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था ई इज डीवी बाय डीआर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल में वी क्यू माइनस वी पी अपॉन डिस्टेंस एल, माइनस अंदर चला गया तो वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू आ गई। ई ऑफ आई ऊपर से नीचे पुट करोगे तो आंसर आ गया बी एल वी। तो आज के बाद सीधा शॉर्टकट याद रखना है कि अगर एक रॉड वी वेलोसिटी से मूव करती है तो इसमें मोशनल ईएमएफ, इस टॉपिक का नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ लिख लो। मोशनल ईएमएफ क्या डेवलप हो जाएगी, मोशनल ईएमएफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉड किसमें है, इन मोशन, और जब तक वो मोशन में है तब तक उसमें ईएमएफ डेवलप्ड है, इसलिए इसका नाम है मोशनल ईएमएफ, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है यहां तक। ये एक लंबा तरीका है, लंबा तरीका है, लेकिन पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको असली कॉन्सेप्ट इससे पता लगता है कि एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने ये बताया था, आज के बाद आपको ये थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि सपोज ये रॉड है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी से मूव कर रही है, तो ये वेलोसिटी इस रॉड की लेंथ के साथ कितना एंगल बना रही है, 90। वेलोसिटी वेक्टर ने रॉड के साथ कितना एंगल बनाया, 90। मैंने वेलोसिटी 90 डिग्री पे रखी, तो हमने देखा कि इसमें ईएमएफ डेवलप होगी। तो बोलो पी और क्यू में फॉर्मूला बोलो, ईएमएफ कितनी डेवलप होगी, बी एल वी, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से, ये ईएमएफ कहां डेवलप होगी, पी और क्यू के बीच में, मतलब इस एल लेंथ के बीच में, मतलब कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सिस पे। ये वेलोसिटी वेक्टर अगर राइट है तो ईएमएफ कहां डेवलप हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन पे, यानी कि पी और क्यू के पॉइंट में। क्लियर है, मतलब ये बोलना चाहता हूं कि इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो लाइन मिलेगी उसमें दो पॉइंट्स मिलेंगे आपको जहां ईएमएफ डेवलप होगी। मैं लगा के भी दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है, पर ये पॉइंट याद रखना कि अगर वेलोसिटी ऐसे है तो ईएमएफ इस लाइन में मिलेगी आपको, मतलब इन दो पॉइंट्स में मिलेगी। अगर वेलोसिटी वेक्टर मान लो ऊपर है, एक रॉड अगर ऊपर मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एल लेंथ है, तो फिर ईएमएफ कहां मिलेगी, इन दो पॉइंट्स में मिलेगी, पी और क्यू में। ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो लाइन है उनमें दो पॉइंट्स लिए जाएंगे। ठीक, पर मेथड टू जो है वो इतना डीप कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता। मेथड टू किसका कॉन्सेप्ट यूज करता है, यूजिंग फैराडेज लॉ। तो लिख लो इसके ऊपर मेथड नंबर टू, लिखो मेथड नंबर टू, सेम चीज को करने का तरीका, मेथड नंबर टू यूजिंग फैराडेज लॉ। ठीक, यूजिंग फैराडेज लॉ। तो फिर से मोशनल ईएमएफ है यूजिंग फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ये बोलता है कि आप, ये थिन रॉड है, मैंने मोटी जरूर बनाई है लेकिन एक्चुअल में दिस इज वेरी वेरी थिन। फैराडेज लॉ ये बोलता है कि ये रॉड यहां से यहां आई, जैसे मैंने यहां से यहां मूव करवाया, तो इसकी लेंथ एल है और वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी। बहुत छोटे टाइम में, डीटी टाइम में मान लो यहां से यहां आती है तो लेंथ कितना कवर कर लेती है,
एस इज इक्वल टू वी टी से वी इंटू डी टी, लेंथ इसकी एल है, तो एरिया कवर्ड कितना है, दिस इंटू दिस, एल इंटू वी इंटू डी टी एरिया आ गया। तो फेराडे ये मानता है कि ईएमएफ जनरेट होगी या नहीं होगी वो चेक करने का ये तरीका है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ऐसे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो इमेजिन करो बहुत सारी लाइंस बोर्ड के अंदर जा रही हैं और आप एक रॉड को जब मूव करवाते हो तो आपको लगता नहीं कि आप फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इनको कट करते हुए जा रहे हो। देखो इसकी कटिंग हो रही है क्योंकि लाइंस ऐसे हैं और आप रॉड को ऐसे मूव करवा रहे हो, तो आप लाइंस को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइंस अंदर की तरफ हैं, इमेजिन करो बहुत सारी लाइंस अंदर की तरफ हैं और आप लाइंस को ऐसे कट कर रहे हो, तो जब जब आप लाइंस को कट करते हुए लेके आओगे तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगी। अगर ये रॉड कोई लाइन कट नहीं करती तो उस केस में ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। जैसे अगर ये लाइन के साथ ही चल पड़ती है रॉड अंदर की तरफ, या परपेंडिकुलर कट तो करेगी नहीं, लाइन भी अंदर जा रही है, रॉड भी अंदर ही जा रही है, फिर इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये यहां से ऐसे जाती है, लाइन अंदर जा रही है, रॉड भी उसके साथ चल पड़ी, तो फिर कैसी होगी, फिर तो साथ ही चल पड़ी ऑब्वियसली, तो फिर उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। तो ईएमएफ कब जनरेट होगी, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसको कट करती हुई जाएगी। ये कट करने का क्या प्रिंसिपल है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आता है कि अगर एक रॉड ये है और यहां से यहां आती है तो कुछ लाइंस को तो वो यहां से यहां कट करती ही है, तो इसमें ईएमएफ तो जनरेट होगी। तो वो तो एक ही फॉर्मूला लगाता है फेराडे, इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का काम तो लेंस ने किया था। फेराडे कहता है मैं तो मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं डी फाई बाई डी टी से। इसके लिए वो क्या निकालता है, यहां का फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स बी इंटू एरिया, एरिया कवर्ड कितना है, एल इंटू वी इंटू डी टी, तो ये क्या आ गया, स्मॉल फ्लक्स आ गया। फ्लक्स आ गया तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स कितना आया, बी एल वी डी टी को डी टी से डिवाइड कर दें, बी ए बी कॉन्स्टेंट है, लेंथ कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी हमने कॉन्स्टेंट रखी, डी टी बाई डी टी वन है, आंसर आ गया बी एल वी। मेरे ख्याल से मेथड टू ज्यादा ईजी है मेथड वन से, तो मेथड वन की जगह यही सिखाना है कि फेराडे ने भी सेम काम किया लेकिन उसने थोड़ा ईजी तरीके से कर दिया, तो उसने अपना कॉन्सेप्ट फ्लक्स से यूज किया और मैग्नेटिक्स के साथ मैच कर रहा है सब कुछ, आंसर सेम आ रहा है। डायरेक्शन से उसे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्शन कौन निकालेगा, फ्लेमिंग या लेंस, लेंस ने किसी और तरीके से निकाला, फ्लेमिंग ने और भी आसान कर दिया। तो फ्लेमिंग डायरेक्शन कैसे निकालता है इंड्यूस करंट की, अगर रॉड राइट जा रही है तो बी बोर्ड के अंदर है, रॉड की जो वेलोसिटी है वो राइट है, तो बी विलो मीन्स कंडक्टर राइट जा रहा है तो करंट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग निकाल देगा और मैग्नीट्यूड फेराडे निकाल देगा। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक। अब सपोज